सत्संग जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। महाराष्ट्र समागम के पिछले 3 दिनों से ही जो सभी ने विश्वास भरे शब्द, भक्ति भरा जीवन कैसे जिया जाए और ये आनंद की अवस्था को प्राप्त किया जाए इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा, तो ऐसे अनमोल वचनों से जो आज हमने श्रवण की और पिछले 2 दिनों से भी श्रवण करते आए हैं, तो दासी आज आनंद की अवस्था के ऊपर थोड़ा जो चर्चा करना चाहे कि कैसे एक आनंद की अवस्था हम अगर अपने जीवन में देखें, तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम एक प्योर हैप्पीनेस सीख करना चाहते हैं कि बिल्कुल एक एवरलास्टिंग हैप्पीनेस, एक खुशी जो सदैव के लिए रहे, तो वो कैसे मिल सकती है। और अगर हम अपने ही जीवन पे झांकें तो काफ़ी बार एक अगर हम अपने मूड पे देखें तो अगर खुश है हमारा मन तो कुछ समय तक तो खुश रहेंगे, फिर अचानक कुछ ऐसा हो जाता है या कोई ऐसा कुछ कह जाता है तो एक पल भी नहीं लगता वो खुशी को मायूसी में कन्वर्ट होने में। तो कैसे एक रस, हम जो रहने की अवस्था की बात करते हैं तो वो किस प्रकार हासिल होगा। बात बस उतनी कि हमें ऐसे अपने आप को इस तरह इस निराकार से जुड़कर रखना है कि जब भी कुछ ऐसा हो जो हमारे मन के मुताबिक नहीं है तो वो एक होना तो हम रोक नहीं सकते वो इवेंट को या वो शब्दों को हमारे कान तक आने में, पर हम अपने मन को इतना पहले से ही प्रिपेयर करें कि कुछ अगर ऐसा हो भी जाए तो उसका असर इतना गहरा अपने अंदर ना लें। और वही एक आनंद की अवस्था, जैसे कहा भी गया है कि दुख में सिमरन हर कोई करता है और सुख में नहीं, तो बात वही है कि जब हम दुख की अवस्था में ही सिमरन करते रहेंगे और सुख में शुक्राना नहीं, तो ऐसा ही एक असर होता है कि एक भक्त यहाँ अलग कैसे जीता है कि अगर वो सुख और दुख दोनों में बराबर सिमरन करता चला जा रहा है तो दुख की घड़ी आएगी उसके जीवन में भी, पर वो असर एक मायूसी की तरफ नहीं होगा, उसमें भी वो इतना इस रजा में दातार की रहने वाली दृष्टिकोण जब आ जाती है वो पॉइंट ऑफ व्यू कि इस दातार की ही कृपा है हर रूप में, तो फिर वो दुख आकर भी वो दुख नहीं है। तो वो दुख काय को होए वाली बात की दुख आकर भी ना, तो ऐसे ही हम सब ने ये प्रयत्न करते चले जाना है कि एक हम अगर किसी तरह का एक अपना दिन बिताना चाह रहे हैं और वो हमारे मुताबिक नहीं है तो कुछ उसमें कमी पेशी आ भी गई तो कैसे वापस, अगर एक सेकंड के लिए भी एक नेगेटिविटी के लिए ध्यान गया तो खुद को सेल्फ करेक्शन मोड पे इस निरंकार के साथ जुड़ के ही वो किया जा सकता है और फिर वो अपने आप को उस नेगेटिव तरफ नहीं एक पॉजिटिवली ही लेकर चले जाएं। और किस तरह हमने फिर वही बात आती है पॉजिटिव रहने के लिए भी, ये पक्कों का संग करने वाली बात, ये सत्संग सेवा सुमिरन इसके आश्रय जब तक रहेंगे, ये लगन में दातार की रहेंगे, फिर जो भी होता है सब मुबारक है। और अपने विश्वास की जहाँ बात भक्ति की आनंद की, तो ये भी ऐसी स्टेज नहीं कि एक बारी विश्वास को हमने महारथी प्राप्त करनी है तो भक्ति की महारथी होगी और भक्ति की महारथी होने के बाद आनंद आएगा, नहीं। ये तीनों चीज़ें एक तरह से देखा जाए तो साइमल्टेनियसली लाइफ लॉन्ग चलानी है, क्योंकि अगर हम ये भी बीच में सोच लें कि हमारा भक्ति भरा जीवन तो चल रहा है तो क्या हुआ अगर विश्वास डगमगा भी रहा है बीच में, तो बात ऐसी नहीं, ये कोई गेम के लेवल्स नहीं है जो लेवल 1 क्लियर लेवल 2 क्लियर, पर उस तरह
कि कैसे हमने हर पल में अपने विश्वास को बनाए रखना है इस दातार पे, और ऐसे ही इस निरंकार के आश्रय ये सारे मानवीय गुण हमारे अंदर जब आ जाते हैं, एक दिल से सच्चा प्यार इस प्रभु परमात्मा के लिए भक्ति रूप जीवन का वो आनंद की ओर ले जाते हुए, तो कैसे हम कोशिश हर पल यही करें कि चाहे कुछ भी हो आसपास, हमने अपना संतुलन मन का उस तरह बना के रखना है कि सिर्फ और सिर्फ निरंकार से ऊपर कुछ नहीं तो कुछ भी है वो इतना डिस्टर्बिंग फिर नहीं लगता और ये आनंद मन में कायम रहता है। तो दासी और शब्दों से आप जी के सामने और कुछ नहीं कह पाएगी, और आज्ञा लेते हुए कि दातार कृपा करे कि आगे आने वाली संगतों का भी जल्दी से वो फिजिकल रूप बन पाए और इसी तरह हम सब भी भाग दौड़ के वो फिजिकली भी संगत कर पाए। दातार कृपा करे सभी पे की सेवा सुमिरन सत्संग करते हुए इस दातार से जुड़े रहें। सत्संग जी धन अहंकार जी।